हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ धर्मेंद्र और आप देख रहे हैं चैनल यू आर एग्जाम बोली। आप सभी का आपके अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसे कि फ्रेंड्स आप लोग जान गए होंगे कि हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में आपके बिहार बोर्ड मैट्रिक 2020 एग्जाम के रिजल्ट के बारे में। जैसे कि दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि कल लास्ट डे में आप लोगों का रिजल्ट जारी कर दिया गया है और यहाँ पर जो टॉपर्स हैं उनके नाम भी जारी कर दिए गए हैं। तो फ्रेंड्स आज हम देखने वाले हैं टॉपर्स इंटरव्यू, मतलब कि टॉपर ने कैसा क्या किया कि उनको बिहार आपके टॉपर बनने का एक सुनहरा अवसर मिला। जी हाँ दोस्तों, आखिरकार उन्होंने क्या बताया अपनी सफलता का राज जिससे कि वो बिहार के टॉपर हो गए या यूं कहें कि बन गए। तो फ्रेंड्स हम यहाँ पर वन बाई वन करके हर एक चीज को जानेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें और साइड में बेल आइकन दिख रहा होगा उसको भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिले। और हाँ जी फ्रेंड्स, वीडियो आती है पसंद तो प्लीज लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों बात करते हैं बिहार टॉपर्स की। तो यहाँ पर टॉप फोर जो टॉपर है उनके नाम यहाँ पे लिखे गए हैं। फर्स्ट है हिमांशु राज एंड आपका सेकंड है क्या दुर्गेश और थर्ड है जूली कुमारी और फोर्थ है आपके सनू कुमार। यदि दोस्तों बात करें टॉप टेन की तो टॉप टेन में बहुत से नाम आते हैं। हालांकि आपकी जो जूली कुमारी हैं और आपके जो राजीव कुमार हैं ये दोनों एक से नंबर लेके आए हैं 478 478, इसलिए इनको हम क्योंकि ये गर्ल्स हैं तो इनको हमने थर्ड रैंक पे ले लिया। तो फ्रेंड्स बात करते हैं आपके फिफ्थ आपके राजीव कुमार और आपके छठवे सन्नू कुमार, पांचवे मोना कुमार और आपके नवनीत हैं आठवे, सातवें हैं मोना कुमार आठवें हैं नवनीत, नौवे हैं रंजीत और आपके दसवें हैं अंकित। इनने सबसे लास्ट में 475 अंक गेन किए हैं जब जाके इनका नाम आया है टॉप टेन में। तो फैंस बात करते हैं आपके किसके हिमांशु राज की क्या क्या इनका बैकग्राउंड रहा कैसे क्या रहे। तो जैसे फैंस आप लोग जानते हैं जो व्यक्ति टॉप आता है उसके बारे में हर एक जी जानना बनता है, मतलब कि आपका बैकग्राउंड क्या है, आप कहां से हैं, आपके माता पिता क्या करते हैं, आपका सपना क्या है, आपकी रुचि क्या है, आप स्टडी कैसी करते थे, क्या तरीका था, कितने टाइम करते थे वगैरह वगैरह, हर एक इन्फॉर्मेशन लेना बनता है, जानना बनता है। तो फ्रेंड्स आपको बता दें एक न्यूज रिपोर्टर को जो जानकारी हिमांशु राज जी ने दी है उसको मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ कि आखिरकार क्या क्या बताया हिमांशु ने अपनी परीक्षा को लेकर, अपने बैकग्राउंड को लेकर हर एक चीज को। तो फ्रेंड्स बात करें क्या कि आपका जो बिहार बोर्ड ने मैट्रिक कक्षा के रिजल्ट को जारी किया है इसमें हिमांशु राज ने दसवीं की कक्षा में टॉप किया है। उन्हें इस परीक्षा में 96.2% अंक मिले हैं, कितने 96.2 अंक मिले हैं और वो बिहार टॉपर में उनका नाम आ गया। और दोस्तों यदि बात करें हम किसकी आपके जो टॉपर रहे हिमांशु जी की तो इनको टोटल 500 में से 481 नंबर आए हैं तब जाके इनका टॉपर में नाम आया है। एक इंटरव्यू में हिमांशु ने बताया कि वो आगे चलकर एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि सबसे पहले क्वेश्चन यही होता है कि आखिरकार आप बिहार टॉपर हैं या फिर आप किसी भी स्टेट के टॉपर हैं तो आपका सपना क्या है कि आप आगे चलकर क्या बनना चाहते हैं। तो दोस्तों आपको बता दें हिमांशु का जवाब था कि मैं आगे चलकर सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहता हूँ। एंड इसके साथ साथ आपको बता दें कि हिमांशु ने कक्षा दसवीं में टॉप करने के लिए कितने घंटे स्टडी की है ऐसा क्वेश्चन यदि रिपोर्टर ने किया तो दोस्तों हिमांशु का रिस्पांस मिला है कि मैंने करीबन पर डे 13 से 14 या 15 घंटे तक पढ़ाई की है। जी हाँ दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट कितने टाइम पढ़ाई की है, इन्होंने 14 से 15 घंटे प्रतिदिन स्टडी की है जब जाके जी बिहार टॉपर में इनका नाम आया। आपको बता दें हिमांशु का कहना कि बताया है कि उनको यकीन था कि वह जरूर दसवीं के टॉप टेन में जगह बनाएंगे। जब न्यूज रिपोर्टर ने ऐसा क्वेश्चन किया कि आपको यकीन था कि आप बिहार टॉपर में आपका नाम आएगा या आप बिहार टॉपर बन जाएंगे तो दोस्तों हिमांशु का कहना था कि उनको यकीन था, उसको यकीन था कि वो टॉप टेन में जगह बना लेंगे लेकिन यह उम्मीद नहीं थी कि वो बिहार टॉपर ही बन जाएंगे। हिमांशु ने दसवीं की टॉप आपकी दसवीं टॉप ऑन के लिए स्कूल के अलावा एक क्या कोचिंग भी ज्वाइन की है। फ्रेंड्स आपको बता दें जब हिमांशु से क्वेश्चन किया गया कि आपने क्या क्या किया है टॉपर बनने के लिए या टॉप टेन में आने के लिए तो हिमांशु का कहना था कि मैंने स्कूल के अलावा कोचिंग भी ज्वाइन की थी।
जी हाँ दोस्तों, वो कोचिंग भी जाया करते थे, इसी वजह से उनकी स्टडी इतनी स्ट्रांग रही। उन्होंने अपनी सफलता का राज अपने माता पिता को भी दिया है, उनके माता पिता ने भी उनको बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है। बात करें क्या उनके पिता सुभाष हैं भी खुद एक ट्यूशन टीचर हैं, और वह भी रोज अपने बेटे को मार्गदर्शन दिया करते थे। जी हाँ दोस्तों, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो कि मार्गदर्शन ही होता है, यदि वो ही अच्छा मिल जाए तो फिर सफलता मिलना बहुत छोटी बात हो जाती है। आपको बता दें, हिमांशु के पिता भी एक टीचर हैं, मतलब कि इतने स्टैंडर्ड लेवल के नहीं, लेकिन वो कोचिंग देते हैं 9th, आपका 10th, 7th और 8th क्लास के स्टूडेंट को। एंड इसके साथ रोज अपने बेटे को मार्गदर्शन दिया करते थे। हिमांशु ने बताया कि यह परिणाम मेरे पापा की कड़ी मेहनत और टीचर के ज्ञान के कारण ही मुझे अच्छे नंबर मिले हैं। तो दोस्तों, हिमांशु ने बताया कि टीचर्स एंड मेरे पिता का सपोर्ट, उनकी मेहनत के ही कारण आज मैं इस मुकाम पर पहुंचा हूं कि बिहार टॉपर में मेरा नाम है, मैं बिहार टॉपर बन गया। जब हिमांशु से यह क्वेश्चन किया गया कि आप पेपर के दौरान क्या करते थे, मतलब कि आप पेपर के समय कैसी स्टडी करते थे, क्या चेंजेस आप लाए थे, तो हिमांशु ने बताया कि मैं रोज पेपर देकर आया तो एक वो घर आकर उसके उत्तर बुक में मिलाता था। जी हाँ दोस्तों, ताकि मैंने क्या सही और क्या गलत किया यह मेरे को पता चल सके। हिमांशु का कहना है कि साइंस स्ट्रीम से 12वीं करूंगा और एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन लूंगा। तो दोस्तों, हिमांशु ने बताया कि जब जब मेरे पेपर चले तो मैं घर पे आके मिलाया करता था कि कितने मैंने क्वेश्चंस राइट किए हैं, कितने रॉन्ग किए हैं और कैसा मैंने आंसर दिया है। और अब जो आगे चलकर साइंस स्ट्रीम से एक अच्छे कॉलेज में दाखिला लेंगे, अभी तो 12th जो साइंस स्ट्रीम से करेंगे, ऐसा हिमांशु का कहना है। और बात करते हैं आगे हिमांशु के बैकग्राउंड की, मतलब कि इनकी फैमिली कैसी, क्या है, कैसे कैसा क्या है। तो दोस्तों, आपको बता दें, हिमांशु के पिता सुभाष सैन ग्रेजुएशन किया है और माँ मंजू देवी 5वीं पास हैं। सुभाष सैन के पास थोड़ी बहुत जमीन है जिसमें वह सब्जी उगाकर बेचते हैं, इसके साथ ही वो गांव में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते हैं। जी हाँ दोस्तों, इनके पिता गांव के बच्चों को ट्यूशन भी देते हैं, और थोड़ी बहुत वो जमीन है जो अपनी करते हैं और उसमें सब्जी उगाकर बेचा करते हैं। बेटी की कामयाबी पर सुभाष ने बताया, आज हमारे बेटे ने मेरा सपना पूरा कर दिया, हम लोगों ने उसको कभी कोई घर का काम नहीं कराया ताकि वह किसी तरह से डिस्टर्ब ना हो। माँ ने कहा, वह बहुत मेहनत आपकी करता था, हम चाहकर भी कुछ उससे नहीं कराते थे, आज उसने उन सब बातों की लाज रख ली है, आगे भी हम दोनों उससे किसी भी प्रकार का कार्य नहीं कराएंगे जिससे कि वो अपने सारे सपने साकार कर सके। जी हाँ दोस्तों, इनके माता पिता का कहना है कि हम अपने बच्चे को अच्छे से स्टडी कराएंगे और कुछ नहीं कराएंगे जिससे कि वो अपने सारे सपने पूरे कर सके। बात करें हिमांशु कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो दोस्तों आपको बता दें, हिमांशु राज रोहतास जिले के जनता हाई स्कूल 10वें के विद्यार्थी हैं। रोहतास जिले के जैनू, आपके यहाँ पे वो लगा है 10वें के विद्यार्थी हैं आपके जनता हाई स्कूल के। बिहार टॉपर हिमांशु राज रोहतास जिले के दिनारा प्रखंड के 10वें पंचायत के नटबार कला गांव आपका वार्ड संख्या दी यहाँ पर 10 के निवासी हैं। तो यहाँ पर दोस्तों प्रखंड है इनका दिनारा और 10वें पंचायत है, मतलब कि इनके गांव का नाम है क्या, 10वें कला गांव, और नटवारा कला है और वार्ड है इनका नंबर 10। ये इनकी इन्फॉर्मेशन है जी कहाँ से बिलोंग करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने जो जो इन्फॉर्मेशन दी है वो खुद स्वयं रिपोर्टर को आपके हिमांशु राज ने बताई है। और दोस्तों, इनसे पूछा गया कि आपके स्टडी करने का टाइम क्या रहता था, आप 14 से 15 घंटे स्टडी करते थे तो कैसी कैसी स्टडी करते थे। तो इन्होंने बोला कि मेरा फिक्स तो कुछ नहीं था, बट मैक्सिमम टाइम में मॉर्निंग के टाइम स्टडी किया करता था, मतलब कि जल्दी से उठना सुबह 5 बजे के समथिंग, और मॉर्निंग टाइम में स्टडी को ज़्यादा दिया करता था। नाइट में भी स्टडी करता था, बट आपके 10 PM के पहले पहले ये जल्दी से स्टडी को बंद किया कर देते थे और जल्दी उठते थे। इनकी कोशिश सुबह टाइम में पढ़ने की ज़्यादा रहती थी।
तो फ्रेंड्स ये तो था किसका, हिमांशु राज का इंटरव्यू। आपको कैसा लगा है, उम्मीद करता हूँ आप कुछ इनसे सीख लेंगे। इतनी सी उम्र में और इतना सब कुछ करना, टॉपर बनना बिहार का, और फैमिली बैकग्राउंड ऐसा कुछ खास नहीं होना। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब शेयर करें और वीडियो को लाइक करते जाएं। और डियर फ्रेंड्स आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा, जो कि एक महा शुरुआत होने वाली है हमारे चैनल पे। जी हाँ दोस्तों, अर्निंग क्विज की, मतलब कि आप कुछ चंद सवालों के जवाब देकर जीत सकते हैं कितने, जी हाँ दोस्तों आप जीत सकते हैं 300 से लेकर 50,000 रुपये तक। जी हाँ फ्रेंड्स, आप लोगों को बता दें यहाँ पर शुरुआत हो रही है क्विज की, जिसमें आप लोगों से 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मात्र 15 क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाएंगे। इसके लिए आपको रजिस्टर कराना होगा, उसकी वीडियो की लिंक मैं शाम तक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, क्योंकि टेस्ट कंप्लीट होने वाला है और इसका रिजल्ट जिस दिन शो होगा उसको भी मैं आपको एक वीडियो बनाकर बता दूंगा। इसमें आपसे टोटल कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपको 15 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होगा। यदि आप टॉप 10 में आते हैं तो, फर्स्ट आते हैं तो आपको 300, और आप 10 तक आते हैं तो आपको यहाँ पर 94 रुपीज तक मिल जाते हैं। ए होती है कब, ए पोजीशन रहती है यदि टेस्ट में 100 लोगों ने भाग लिया। यदि टेस्ट में 200 लोगों ने भाग लिया तो यहाँ पर आपकी राशि दुगनी हो जाएगी, मतलब कि 300 से 600 हो जाएगी। यदि टेस्ट में 300 लोगों ने भाग लिया तो यहाँ पर राशि आपकी 900 हो जाएगी, और यदि टेस्ट में भाग लिया तो यहाँ पर आपकी 1200 हो जाएगी। इस प्रकार यदि आपके लैक तक जाते हैं स्टूडेंट तो आपको यहाँ पर करीबन करीबन 50,000 रुपीज तक मिल जाता है फर्स्ट टॉपर को। यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, उसके लिए मैं लिंक प्रोवाइड करने वाला हूँ। और यहाँ पर जो क्वेश्चंस होंगे वो पूरे के पूरे क्वेश्चंस जीके बेसिस होंगे। जी हाँ दोस्तों, मतलब कि आपका जीके रहेगा, जिसमें आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी और आपका जो लास्ट में आपका मिसलेनियस रहता है, इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एंड एक से दो क्वेश्चंस आपके इंक्लूड रहेंगे करंट अफेयर से, और एक दो क्वेश्चंस इमेजेस वाले रहेंगे जो कि आपको बॉलीवुड से देने होंगे। क्योंकि आप लोगों की डिमांड आ रही थी कुछ नया करने की, तो दोस्तों यह शुरुआत होने वाली है, जल्दी आपको लिंक प्रोवाइड की जाएगी और आपको बता दिया जाएगा। तो आप चैनल पर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इसकी इन्फॉर्मेशन जल्द से जल्द प्रोवाइड हो सके। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। टेक केयर, लव यू ऑल। जय हिंद, जय भारत।